हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब आपकी आज की वर्कशीट देख लेते हैं। वो है सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 27। 27 हमें पता है आज की वीडियो हमारी थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि इस हफ्ते हम बहुत ही ज्यादा बिजी थे। हम यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं और उसका आज इस हफ्ते बहुत ज्यादा काम था। साथ ही साथ इस हफ्ते मेरा बर्थडे भी था, हम थोड़ा उसमें भी थोड़ा बिजी थे। खैर, आगे चलते हैं, आज की इस वर्कशीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वर्कशीट हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करेंगे। तो जल्दी से मैं पहले आपको हिंदी में ये वर्कशीट दिखा देती हूँ, फिर हम इंग्लिश में भी इसको देखेंगे। तो ये जो वर्कशीट है, ये है आपकी विनिर्माण उद्योग पर, इंडस्ट्रीज पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर ये वर्कशीट है। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद आपको दिया गया है, उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से ये अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ इन इंडस्ट्रीज की वजह से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, उसको भी हम नकार नहीं सकते, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुख्यतः चार प्रकार के प्रदूषणों के लिए उद्योग जिम्मेदार है। तो यह चार प्रकार के प्रदूषण हैं जिनकी लिए उद्योग इंडस्ट्रीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण जो है वाटर पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण जो है लैंड पोल्यूशन, और ध्वनि प्रदूषण मतलब कि नॉइस पोल्यूशन। तो बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय समस्याएं इन्हीं प्रदूषणों की देन है। तो जो स्वास्थ्य संबंधी और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है, वो इन्हीं पोल्यूशन की वजह से, और ये पोल्यूशन इंडस्ट्रीज की वजह से है। पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी उसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। तो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें एफर्ट्स करने होंगे। कारखानों के 1 लीटर अपशिष्ट से 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। तो कारखानों का जो वेस्ट निकलता है, अगर 1 लीटर भी वेस्ट मटेरियल निकले, तो उससे जो है 8 गुना जो अच्छा पानी है, स्वच्छ जल है, अच्छा वाटर जो है वो पोल्यूटेड होता है। इसे रोकने के लिए हमें जहां जल का कम से कम उपयोग करना होगा, वहीं पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग भी करना होगा। तो साथ ही साथ हमें, अब इसको हम कैसे रोक पाए, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने होंगे। तो एक तो हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए, कम से कम हमें वाटर यूज करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें वाटर रिसाइकल भी करना चाहिए और वाटर हार्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि हम उसका फिर से उपयोग कर सकें। वर्षा जल को बचाना, नदियों तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना होगा। साथ ही साथ जो पानी का, वर्षा का जो पानी आता है, बारिश का पानी, उसको हमें रेन वाटर जो है वो हार्वेस्टिंग करना चाहिए, हमें उसे बचाना चाहिए। और नदियों और तालाबों में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, उसे जाने से हमें रोकना होगा। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग करना होगा। तो एनर्जी एफिशिएंट जो मटेरियल्स हैं, जो ऊर्जा के नए नए जो साधन हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोल जो है उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। तो कारखानों में हमें कोल की जगह, कोयले की जगह, जो नए साधन है ऊर्जा के, एनर्जी एफिशिएंट जो मटेरियल्स हैं, हमें उन्हें यूज करना चाहिए। ऐसे मशीन उपयोग में लाए जाएं जो अधिक ऊर्जा सक्षम और कम ध्वनि प्रदूषण वाले हों। तो हमें ऐसे उपयोग करने चाहिए, वो मशीन उपयोग करने चाहिए जो ऊर्जा में सक्षम हो, और साथ ही जो नॉइज पोल्यूशन कम करे, जो बहुत ज्यादा ध्वनि ना जो बहुत ज्यादा ध्वनि ना दें। आजकल बहुत से उपकरणों पर ऐसी सूचनाएं दी गई होती हैं, तभी समस्या दूर की जा सकेगी। तो आजकल जो है बहुत से ऐसे उपकरण हैं, ज्यादातर जो उपकरण जो है, प्रोडक्ट्स जो है, उन पर ये इंफॉर्मेशन दी होती है, सूचना दी होती है कि वो कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं। तो अगर आप अपने घर में जैसे रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको जैसे स्टार्स आपको उस पे लगे होते हैं, 5 स्टार्स लगे होते हैं। तो अगर उसमें 5 स्टार में से 1 स्टार अगर उसे मिला है, तो मतलब कि वो कम एनर्जी एफिशिएंट है। वहीं अगर 5 में से 5 स्टार उसको मिले हैं, तो मतलब कि वो बहुत अच्छा एनर्जी एफिशिएंट है, वो ऊर्जा में बहुत सक्षम है। तो इस तरह के आपको उपकरण जो है वो चेक करने चाहिए। कोई ऐसा उपकरण नहीं लेना चाहिए जो एनवायरमेंट के लिए हानिकारक हो, पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। तो इन चीजों का आपको अगर ध्यान रखना चाहिए, और अगर ऐसा करते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर की जा सकती हैं। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कैसे इंडस्ट्रीज जो हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं।
आप भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और फिर हमारे सैम्पल आंसर से क्रॉस चेक कर लीजिए और अपनी टीचर से डिस्कस कीजिए। तो उद्योग जो है वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और ये सारी जो प्रदूषण है वो फैला सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और प्रजातियों का विलुप्त होना आदि उद्योगों की वजह से हो सकता है। चलते हैं अब आपके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका कहता है, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। तो इसमें आपको अपने आसपास देखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो पॉल्यूशन की वजह से हो सकती है, प्रदूषण की वजह से होने वाली जो समस्याएं आप अपने आसपास देखते हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ये सैम्पल आंसर के तौर पर हमने लिखा है कि कैसे जो है आपके घर के बाहर जो है डस्ट और एयर पोल्यूशन की वजह से स्मॉग आ जाता है, सर्दियों में कैसे आईज में इचिंग होती है, या आप ट्रैवल करते हैं तो कैसे डस्ट पोल्यूशन बहुत ज्यादा इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, आंखों में खुजली होती है, और कैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है, समर्स जो है बहुत लंबे होने लगे हैं और साथ ही वर्षा जो है कभी आती है कभी नहीं आती है और अनसर्टेन होती है, उससे क्रॉप्स पे भी असर पड़ता है। तो इस तरह से आप अपने आसपास जो देख सकते हैं प्रॉब्लम पोल्यूशन की वजह से वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलते हैं अब आपके तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न आपका कहता है, पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आपके पैसेज में ही है, आप वहां से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो आप प्रश्न में से ही उत्तर लिखना थोड़ा शुरू कीजिए। तो आप लिखेंगे पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए, ये आप पहले लिखेंगे पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए। उसके बाद फिर आप पैसेज में से ही लिखेंगे, हमें जहां जल का कम से कम उपयोग करना होगा वहीं पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग भी करना होगा, वर्षा जल को बचाना ये पूरा का प्रयोग करना होगा। इस तरह से यहां तक आप लिख सकते हैं प्रश्न तीन का उत्तर। अब मैं आपको इंग्लिश की भी वर्कशीट दिखा देती हूँ ताकि साथ ही साथ जो है हम वो इंग्लिश में भी ये उत्तर देख पाए और वर्कशीट भी आप देख पाए। तो ये इंग्लिश में भी सेम ही आपकी वर्कशीट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम ही आपकी इंग्लिश में भी वर्कशीट है। तो क्वेश्चन थ्री इंग्लिश में यही है, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसा मैंने आपको कहा आप पहले क्वेश्चन में से ही आंसर लिखना शुरू करेंगे, इसमें भी आप लिखेंगे टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो टी इसमें कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे क्या करेंगे आप, वी हैव टू यूज लेस वाटर, प्रमोट रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, कंजर्व रेन वाटर, ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर इट्स डिस्चार्ज, और ये जो है पूरा आप उत्तर तीन आंसर थ्री आप यहाँ पर लिखेंगे। चलते हैं अब आपके क्वेश्चन फोर की तरफ। तो प्रश्न चार आपका कहता है, यू वेंट टू अ मार्केट विद योर पेरेंट्स टू बाय होम यूज इक्विपमेंट, व्हाट वुड यू टेल देम टू कीप इन माइंड व्हेन बाइंग इक्विपमेंट। तो आप जो हैं अपने माता पिता के साथ बाजार में घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए हैं, आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने को कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है, तो वो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको समझाया था पहले ही पैसेज में कि हर जो वहां पर प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, ऊर्जा दक्षता के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन होती है, सूचना दी जाती है उपकरणों पर, प्रोडक्ट्स पर। तो जब भी आप घर के लिए कोई ऐसा सामान खरीद रहे हो जैसे रेफ्रिजरेटर या कोई और चीज खरीद रहे हो, मिक्सी खरीद रहे हो, कुछ और खरीद रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीज खरीदें जो ऊर्जा में सक्षम हो, जो एनर्जी एफिशियंट हो। तो ये आपको चीज जो है ध्यान में रखनी चाहिए और साथ ही अपने माता पिता को भी इसके बारे में आपको बताना चाहिए। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है आपको इस वर्कशीट में तो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोशिश कीजिए अपने हिसाब से ये आंसर लिखने की, अपने शब्दों में ये आंसर लिखने की, और फिर अपने टीचर्स के साथ या हमारे साथ डिस्कस करके आप उस आंसर को और अच्छे से लिख सकते हैं। चलते हैं अब आपके इंग्लिश की वर्कशीट पर। तो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट जो है वो है वर्कशीट नंबर 27। ये वर्कशीट है आपकी लेटर राइटिंग के ऊपर। अब किसके ऊपर आपको लेटर लिखना है वो जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ आपको बताया गया है कि एक ऑनलाइन न्यूज़लेटर है बाय डेविड पेरल, वो आपने न्यूज़लेटर पढ़ा और उसमें जो न्यूज़लेटर में एक पैसेज दिया गया है, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड की तरफ से एक पैसेज दिया गया है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड जो थी ये बहुत ही फेमस हैं
ये जो है इंसानों के साथ, तो एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो हमारी जो इंसानों की और इंसानों का जो कल्चर है उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज होती है वो एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है. तो मार्गरेट मीड जो है वो बहुत ही बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं. तो उनसे एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि व्हाट शी कंसिडर टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन इन अ कल्चर. तो उनके हिसाब से, मार्गरेट मीड के हिसाब से, हम जो सिविलाइज्ड हैं इस कल्चर में, तो वो जो है सबसे पहला साइन उनके हिसाब से ऐसा क्या था ह्यूमन हिस्ट्री में कि हम सिविलाइज्ड नजर आए, कि हाँ हम साथ में मिलकर अच्छे से रह सकते हैं. तो उसी के उत्तर में ये जो है एक पैसेज दिया गया है. सो मीड सेड दैट द फर्स्ट साइन ऑफ सिविलाइजेशन वॉज फेमर, अ बोन इन द थाई ऑफ ह्यूमन. तो हमारी जो जांग होती है, हमारी जो थाई होती है, पैर घुटने से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें एक बोन होती है, उसको कहते हैं फेमर. तो वो जो है मार्गरेट मीड के हिसाब से सबसे पहला साइन ऑफ सिविलाइजेशन था. इट ब्रोक एंड देन हील्ड. तो अगर किसी की ये जो बोन थी वो टूट गई और फिर जब वो ठीक हो गई, उसका मतलब था कि समवन टुक केयर ऑफ द पर्सन एंड हेल्प टू हील द बोन. इसका मतलब ये था कि किसी ने उस इंसान की जिसकी बोन टूटी थी, फेमर टूटी थी, उसको उसका ध्यान रखा और उसको हेल्प की, उसको मदद की उसको ठीक होने में. इन द एनिमल किंगडम इफ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स इट डाइज. एनिमल किंगडम में, तो जानवरों में क्या होता है कि अगर उनकी ये वाली बोन जब टूट जाती है तो उससे जो है एनिमल मर जाता है. वो क्यों मर जाता है? द एनिमल डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेंजर और गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर और हंट फॉर फूड. तो जब ये बोन टूट जाती है तो उस एनिमल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी खतरे से बचना. कोई और अगर उसका शिकार कर रहा है तो उससे बचना, या वो नदी पे पानी पीने के लिए भी नहीं जा पाता है, या वो खाने के लिए भी शिकार नहीं कर पाता है. तो वो धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल मरने की कगार पे आ जाता है, या फिर वो किसी और का ही भोजन बन जाता है. इट बिकम समवन एल्सेस फूड. सो नो एनिमल कैन लिव इफ इट हैज अ ब्रोकन लेग बिकॉज इट कैन नॉट बी हेल्प बाय अनदर एनिमल फॉर द बोन टू हील. तो एनिमल किंगडम में, जो जानवरों का जो किंगडम है उसमें ये होता है कि कोई एक दूसरे की मदद नहीं करता है. उनके हिसाब से, मार्गरेट मीड के हिसाब से, उनकी मदद नहीं करता है उस बोन को हील करने में. तो इसीलिए फिर जो है वो जो एनिमल है जिसकी बोन अगर ये टूट जाए तो उसके लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अंत में वो मर जाता है. वहीं इंसानों में ऐसा नहीं है. इंसानों में जो है हम एक दूसरे की केयर करते हैं, मदद करते हैं, और इसीलिए ही हम सिविलाइजेशन की तौर पर जो है आगे बढ़ते हैं. हम जानवरों की तरह नहीं जीते हैं कि किसी को मरने के लिए छोड़ दिया. सो हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफिकल्टी मीन्स दैट वी आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन सिविलाइजेशन. वी आर एट ह्यूमंस ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स, बी सिविलाइज. तो मार्गरेट मीड ये कहती हैं कि हम सिविलाइज तभी हैं, हम तभी ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट बन सकते हैं जब हम औरों की मुश्किलों में मदद करें. तो एज ह्यूमन हम जब दूसरों को सर्व करें, दूसरों की मदद करें, तभी हम ह्यूमन कहलाएंगे. तो ये जो है, ये पैसेज जो है वो ईरा बायोक ने लिखा है, ये वहां से ये पैसेज लिया गया है. अब इससे बेस्ड आपका क्वेश्चन ये है कि आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़लेटर यू थिंक अबाउट द करंट पैंडेमिक सिचुएशन वेयर मेनी ह्यूमन बीइंग्स नीड हेल्प. यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज RWA एक्सप्लेनिंग अ प्लान दैट यू हैव डिजाइन टू हेल्प हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड. राइट द लेटर इन 100 to 120 words, साइन योर सेल्फ एज अमित और अमिता. तो आपको जो है एक लेटर लिखना है. जब आपने ये न्यूज लेटर में ये पढ़ा कि ऐसा ये पैसेज लिखा हुआ है, तो आपने अपने आसपास देखा कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोग जो है बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं. तो ऐसे में जो है आपने अपनी कॉलोनी के जो प्रेजिडेंट हैं, RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA होता है, उसके जो प्रेसिडेंट है उनको एक लेटर लिखने की सोची, ये बताते हुए कि आपने एक प्लान बनाया है कि कैसे आप अपने कॉलोनी के लोगों की मदद कर सकते हैं. तो ये आपको वो लेटर लिखना है. तो और आपको, अगर आप लड़के हैं तो आप उसे लिखेंगे फ्रॉम अमित, आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे फ्रॉम अमिता. तो इसी के बेस पे एक लेटर है, वो जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या सैंपल लेटर लिखा है.
तो कोशिश कीजिए कि आप पहले अपना एक सैम्पल लेटर लिखें, और उसके बाद फिर आप यहाँ से सैम्पल लेटर से आइडिया लेकर आप क्रॉस चेक उसे कर सकते हैं, या पहले ये पढ़कर फिर आप कुछ आइडिया लेकर अपना लेटर लिख सकते हैं। तो लेटर का फॉर्मेट आपसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस उसी फॉर्मेट को, फॉर्मल लेटर है ये तो औपचारिक लेटर है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे सर मैडम, और फिर आप यहाँ पर आप अपना कंटेंट लिखेंगे। तो हमने इस तरह से लिखा है कि एज मार्गरेट मीडवुड से हम दूसरों की अगर मदद करते हैं तभी हम ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट बनते हैं। तो वही सोचते हुए मैंने जो है यहाँ पर एज रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनी आई हैव बीन थिंकिंग कि मैं उन वेज के बारे में मैंने सोचा है जिन वेज के थ्रू मैं जो है सबकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना मत भूलिए, तो सब्जेक्ट इसका यही आएगा कि प्लान प्लान फॉर हेल्पिंग द कम्युनिटी। तो ये आप यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर यही है, आपने जो लिखा है वो यही आएगा आपके लेटर में कि कैसे जो है आपके नेबरहुड में कुछ फैमिलीज हैं जिनकी जॉब चली गई हैं और वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पहला तो आप जो है आप मिलकर उनके लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं, पैसे इकट्ठे कर सकते हैं ताकि इमिडिएटली उनकी मदद हो जाए। साथ ही साथ आप सब लोग मिलकर जॉब ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि कोई इंसान इस जॉब में बहुत अच्छा है और आप कोई और जॉब जानते हैं तो आप उन दोनों को नेटवर्किंग करा सकते हैं, आपस में बात करा सकते हैं और जो है उनके लिए नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से आप लेटर लिखेंगे, फिर आप थैंकिंग यू लिखेंगे और फिर एंड में आप लिखेंगे योर सिंसियरली अमित और अमिता। तो ये आप यहाँ पर इस लेटर में लिखेंगे। आप चाहें तो कोई और प्लान भी आप बना सकते हैं और उसको उस प्लान को भी आप इस लेटर में लिख सकते हैं। अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, कोई डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही है, कोई कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए, अपने फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके भी अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।